सेम की सब्जी बनाने के लिए आपको चाहिए सेम, थोड़ा सा आलू, आप अपने अकॉर्डिंग आलू को चेंज कर सकते हैं, थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, दो टमाटर, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, और मसाले में आपको क्या क्या लेना है, थोड़ा सा ग्रीन चिली, काली मिर्च, थोड़ा सा जीरा, पीली सरसों, थोड़ा सा पीली सरसों ज़्यादा लेना है आपको, हल्दी, नमक स्वादानुसार, धनिया पाउडर और गार्लिक, हमने हरा गार्लिक लिया है, आप चाहे तो सूखा गार्लिक भी ले। अब मैं कढ़ाई में थोड़ा तेल डालूंगा, और तेल डालने के बाद बस इतना काफ़ी है, और इसके बाद मैं सेम और आलू को फ्राई करूंगा इसी तेल में। सेम को हमने फ्राई कर लिया है, सेम और आलू को, अब मैं इसको दूसरी थाली में एक निकाल लूंगा। बचे हुए तेल को मैं पैन में डाल दूंगा, और मैं इसमें मेथी का तड़का दूंगा, आप चाहे तो जीरे का भी तड़का दे सकते हैं, बट मेथी से एक अलग ही टेस्ट आता है। सो थोड़ा सा तेल गरम होने दें, और मेथी इसके बाद इसमें हम डाल देंगे। थोड़ा सा आंच को मैं तेज कर देता हूँ। मसाले को मैंने पीस लिया है, कुछ इस तरह से आपको दिखने लगेगा, और इधर मेरा मेथी भी हो गया है, अब इसमें मैं इसको डाल। इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल दूंगा, पानी डाल के इसको ढक दूंगा। दस से 15 मिनट भूनने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा लाल मिर्च डाल दूंगा, लाल मिर्च मुझे पसंद है, सो मैं थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च डालूंगा, आप चाहे तो ना डालें। इसके बाद मैं इसमें टमाटो डाल दूंगा, और इसको अच्छी तरह से पकने दूंगा टमाटर के साथ, जिससे टमाटर पूरी तरह से गल जाए इसमें। अब आप देखेंगे मसाला अच्छी तरह से भून गया है, अब भुनने के बाद इसमें मैं सब्जी डाल दूंगा सेम की और आलू की। ध्यान रहे कि इसमें हमने जब मसाला पीस रहा था उसी समय हमने नमक इसमें डाल दिया था, तो नमक डालने की जरूरत नहीं है अभी की। अब मैं इसमें सब्जी डाल दूंगा, और सब्जी डालने के बाद मैं इसको इसमें थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगा, जिससे ये अच्छी तरह से पक जाए। अब मैं इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगा, बस इतना काफी है, इसको थोड़ा सा गाढ़ा ही बनाएंगे। रुक चुप रहे। थोड़ी देर पकने के बाद अब आप देखेंगे कि इसका कलर ऐसे हो जाएगा, ये प्रॉपरली पक चुका है, अब इसको आप रोटी पराठे के साथ सर्व करें।